नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं इस वक्त CTN भारत। एक और जहां पूरा प्रदेश कोरोना महामारी की चपेट से ग्रस्त है, ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री के गृह जिले छिंदवाड़ा भी इस बीमारी से वंचित नहीं है। आपको बता दें कि बीते दिनों छिंदवाड़ा में लगातार कोरोना के मरीजों और मृतकों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। लोग हॉस्पिटल के लगातार चक्कर काट रहे हैं, ना ही बेड नसीब हो रहा है ना ही दवाइयाँ। ऐसे में छिंदवाड़ा के कांग्रेस नेताओं को धरने की सूझ रही है। देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट। हम केवल छिंदवाड़ा जिले की बात करते हैं तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि छिंदवाड़ा के सातों विधानसभा और लोकसभा जो कि भाजपा मुक्त है, ऐसी विषम परिस्थितियों में आम जनता की सेवा के बजाय कांग्रेस के विधायक और वरिष्ठ नेता धरने पर बैठे हुए है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा का दौरा किया था, वो भी महज 3 घंटों में ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। 40 साल की राजनीति में छिंदवाड़ा में राज करने के बाद भी छिंदवाड़ा की जनता इस विषम परिस्थिति में नेताजी की मदद की आस लगाए हुए बैठी है। वहीं कांग्रेस के जनप्रतिनिधि जनता की मदद की बजाय धरने में बैठकर अपने ही क्षेत्र में क्या दिखाना चाहते हैं? मेरा इतना ही कहना है, हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगी। अभी हम चाहते कलेक्टर साहब हमसे बात करें, हमको ठोस आश्वासन दे कि हम व्यवस्था बनाने में पूरा सहयोग करेंगे, तभी हम लोग यहाँ से उठेंगे। माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के संरक्षण में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सबसे कहना चाहूँगा कि हम जनहित की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रशासन और शासन व्यवस्था। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में आए सौसर के पूर्व विधायक अजय चोरे ने भी इस विपरीत परिस्थितियों में जनमानस की मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाए। उन्होंने विधायक नहीं रहते हुए भी सौसर में स्थित अपने निजी मैरिज लॉन को भी जिला प्रशासन के माध्यम से कोविड सेंटर बनाने की मांग रखी, जिससे क्षेत्र के पीड़ितों को राहत मिल सकेगी। सिटी भारत से ब्यूरो रिपोर्ट छिंदवाड़ा।